स्वागत है हॉरर की दुनिया में। फॉलो खूनी मंडे और एंजॉय करो दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरीज। अनजान रास्ता। मेरा नाम पवन है और मेरे साथ ये घटना तब हुई थी जब मैं 21 साल का था। मेरा गांव उत्तराखंड के पिंडारी ग्लेशियर के फुटहिल्स में है। पहाड़ी लोगों के लिए रात को पहाड़ों में घूमना आम बात है, पर उस रात जो मेरे साथ हुआ उसके बाद से जब भी मैं उन पहाड़ों में अकेले निकलने के बारे में सोचता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। मैं 6 साल बाद गर्मियों की छुट्टियों में अपने गांव वापस आया था। मेरे आने की खुशी में मेरे बचपन के दोस्तों गिरदा और देव ने डिसाइड किया कि हम पिंडारी ट्रैक के नीचे वाले पहाड़ के झरने पर जाकर सेलिब्रेट करेंगे। हमने अगली सुबह ट्रैक शुरू किया। वो ट्रैक 8 घंटे का था और रास्ता बेहद खूबसूरत था। आधे से ज्यादा ट्रैक करने के बाद थकान और तेज धूप के कारण हमने सोचा कि थोड़ी देर आराम कर लें। वो जगह बहुत ही शांत थी और वहां कई सारे छोटे रास्ते थे जो अलग अलग पहाड़ों तक जाते थे। हमने गाने चलाते चलाते लंच किया और थोड़ी देर में ही हमारी आंख लग गई। लेकिन कुछ देर बाद अचानक मेरे कानों में किसी बच्चे की आवाज आई, पापा, और मेरी आंख खुल गई। मैं जब नींद से उठा तो पसीनों से तरबतर था। मैंने देखा कि आसपास कोई नहीं था और शाम भी हो चुकी थी। उस वक्त मुझे वो एक बुरा सपना ही लगा। हर तरफ शांति थी। मैंने टाइम देखा और अपने दोनों दोस्तों को उठाया। हमें सूरज ढलने के बाद रात में पहाड़ों में घूमने की आदत थी तो हम ट्रैक पर आगे बढ़ गए। हम तीनों ने अपने फोन की फ्लैशलाइट्स और टॉर्चेस जलाने की कोशिश की, पर कुछ ही देर में दोनों की बैटरीज खत्म हो गईं। कोई भी और चारा नहीं था, इसलिए हमने अपने अंदाजे से एक रास्ता पकड़ लिया। हम कई घंटों तक उस रास्ते पर चलते रहे, पर चढ़ाई बढ़ती जा रही थी। रास्ता पतला हो रहा था और हम थे कि झरने तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे। पर न जाने वहां की हवा में ऐसा क्या था कि मुझे हर समय ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है। लेकिन मैं जितनी भी बार पीछे मुड़ता मुझे सिर्फ पेड़ और झाड़ियां ही नजर आती थीं। कई घंटों तक जंगल में भटकने के बाद हम समझ गए थे हम सही रास्ते से काफी दूर आ चुके हैं। शायद हम चलते चलते किसी दूसरे ही पहाड़ पर पहुंच गए थे। हमारे शरीर थक कर चूर हो गए थे। हमने एक सही जगह पर अपना तंबू लगा दिया। लेकिन तंबू लगाते वक्त मुझे झाड़ियों से फिर से एक छोटी लड़की की आवाज आई। ऐसा लग रहा था कि कोई छोटी लड़की मुझे कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैंने उसे अपने मन का वहम समझा और सीधा खाना खाकर सो गया। कुछ देर बाद मेरी आंख खुली। मैंने देखा कि मेरे शरीर को कोई घसीट कर कहीं ले जा रहा है। मैंने गर्दन उठाकर देखा तो मुझे एक भयानक दानव जैसा एक आदमी घसीट रहा था। उसे देखकर मेरी चीख निकल गई और तब उस आदमी ने मुझे पलटकर गुस्से से देखा। दोस्तों, इस हफ्ते द क्राइम शो पर हमने कवर की है इंडिया के सबसे बड़े मिस्टीरियस मर्डर की कहानी, आरुषि तलवार मर्डर केस। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में। और अपने पंजों से मुझ पर वार कर दिया। तभी अचानक मेरी नींद टूटी कि मैं अपने टेंट में ही लेटा हुआ था। जो आग हमने लकड़ी से जलाई थी वो बुझ चुकी थी, पर अभी सुबह नहीं हुई थी। मेरी नींद उड़ चुकी थी, लेकिन मेरे बगल में देव आराम से सो रहा था, पर गिरदा टेंट में नहीं था, वो गायब था। मैं अपने टेंट से बाहर निकलकर गिरदा को तलाशने लगा कि तभी मुझे देव की चीखने की आवाज आई। मैं बहुत डर गया और तुरंत वापस टेंट में गया, लेकिन देव आराम से सो रहा था। मैंने देव को जगाकर उसे सब कुछ बताया और तभी हमें टेंट के बाहर एक परछाई दिखी। वो परछाई ठीक
उसी भयानक दानव जैसी लग रही थी जैसे मैंने सपने में देखा था। देव की डर के मारे चीख निकल गई और उस दानव ने अपने पंजों से उस टेंट को चीर दिया और उस फटे हुए टेंट से अब वो साफ साफ दिखाई दे रहा था, एक बेहद डरावना चेहरा जो शायद सड़ गल चुका था। लंबे लंबे बाल और उससे भी लंबे उसके पंजों के नाखून, उसके नुकीले दांत और गुस्से से लाल आंखें। वो कोई जानवर जैसा नहीं लग रहा था, पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई एलियन हो। हम जैसे तैसे करके उस टेंट से बाहर भागे। हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है, पर हम भागते रहे। थोड़ी दूर पर हम एक अजीब से रास्ते पर पहुंच गए। रास्ता बहुत पतला था पर हम बार बार फिसल रहे थे। मुझे भागते हुए ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कुछ नुकीला बार बार मेरे शरीर पर लग रहा है, लेकिन हम भागते रहे और कुछ देर बाद झाड़ियों के बीच जाकर गिर गए। उस वक्त तक सब शांत हो गया था और वहीं से हमें नीचे कुछ ही दूर एक गांव दिख रहा था। हमें अपनी जान बचाने के लिए उस गांव तक पहुंचना था। तब मेरी नजर देव की शर्ट पर गई, उससे खून बह रहा था। उसी तरीके से मेरा भी खून बह रहा था। हमारे शरीर पर सैकड़ों कट्स लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने हमें बुरी तरह नोचा हो। तभी हमें उसी दानव की गुहार सुनाई दी जो झाड़ियों के दूसरी तरफ से आ रही थी। हम अपनी बची कुची जान लगाकर वहां से भागे। हम तब तक भागते रहे जब तक हमारा शरीर बेजान नहीं हो गया। हम दोनों बहुत बुरी तरीके से घायल हो चुके थे और हमारे दोस्त गिरदा की भी कोई खबर नहीं थी। तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई हमारी तरफ आ रहा है। मैंने देखा तो वो एक बकरी चराने वाला था। उसने हम दोनों की ऐसी हालत को देखकर शोर मचाना शुरू कर दिया और कई गांव वाले वहां आकर जमा हो गए। उन्हें देखते ही मानो हम दोनों बेहोश ही पड़ गए। पूरी एक दिन की बेहोशी की हालत में रहने के बाद हमें होश आया। हम दोनों के शरीर पर पट्टियां बंधी थी। वो गांव के मुखिया का घर था। होश में आते ही हमने उन्हें सब कुछ बताया। जब हमने उन्हें वो सब बताया जो हमारे साथ हुआ, तो वो थोड़ी देर के लिए शांत हो गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने बताया कि हमारा बचना किसी जादू से कम नहीं था, क्योंकि उस पहाड़ में कई काले तंत्र करने वाले तांत्रिक वास करते थे और कई साल पहले एक आदमी वहां उनको काबू करके उनकी शक्तियां पाने गया था। उस आदमी ने उनकी शक्तियों पर काबू पाने के लिए कई जानवरों और इंसानों की बलि भी दी और फिर वो उन्हीं पहाड़ों में कहीं गायब हो गया। लेकिन वहां के लोग मानते हैं कि वो आदमी अभी भी काली शक्तियों की मदद से जिंदा है और उन्हीं पहाड़ियों में अपने अगले शिकार का इंतजार करता रहता है। मुखिया ने बताया कि गांव की एक लड़की खेलते खेलते वहां गलती से चली गई थी और फिर वो कभी नहीं लौटी। माना जाता है कि उस आदमी की आत्मा ने वहां उस लड़की की बलि दे दी, पर आज भी अगर कोई वहां जाता है तो उसके साथ भी वही होता है। उस मुखिया की बात सुनकर हमारा दिल दहल गया। हम तो बच गए थे, लेकिन उस दिन के बाद से हमने अपने दोस्त गिरधा को फिर कभी नहीं देखा। उसका सदमा आज भी हमें सताता है। मैं अब कभी भी अनजान पहाड़ों में घूमने नहीं जाता और खुद से ऐसा कोई रास्ता नहीं पकड़ता जिसके बारे में मुझे पहले से पता ना हो। द क्राइम शो की हमारी इस नई कहानी को चेकआउट करना ना भूलें। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में। और हाँ, वीडियो देखने के बाद द क्राइम शो बाय खूनी मंडे को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारा चैनल खूनी मंडे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।